नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, गुरुआ प्रखंड के नवावाचक गांव में शोक सभा सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, मृत्यु भोजन लोगों के लिए श्राप के समान है। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल उपस्थित हुए। मंच संचालन नरेश कुमार, उपायुक्त जीएसटी पटना, स्वागतकर्ता इंजीनियर नागेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर बिहार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवा, बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव, प्रोफेसर कृष्ण यादव, डी एन सिंह, मुरारी प्रसाद, विष्णु देव यादव, विश्वपत यादव, जिला पार्षद रोहतास सीमा सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। बक्सर के एसपी नीरज कुमार एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव उपस्थित। लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि मृत्यु भोजन लोगों के लिए श्राप के समान है, इसलिए हम लोगों को मृत्यु भोज को पूर्ण विरोध करना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान पढ़कर किया गया और आप सभी को मृत्यु भोजन का पूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज़ टीवी। मैं मोहम्मद सईद गुरुआ के नवाब चक में है। आइए जानते हैं जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है नवाब चक में। सर, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ के बहुत ही वृद्ध और ज्ञानी एक्टिविस्ट कृषक चमारी महतो यादव का आज रानी दिवस है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि पूरा ही परिवार ही नहीं, पूरा गांव समाज अमूमन ये आडंबर पाखंड मुक्त है। और यही जो है एक तरह से जो ज्योतिबा फूले या तथागत बुद्ध की धरती है, वहाँ से उठा लीजिए। और ज्योतिबा फूले या कबीर, तमाम ऐसे लोग जो परंपरा रही है, चाहे बाबा साहब हों, कर्पूरी ठाकुर हों, जगदेव बाबू हों, रामस्वरूप वर्मा हों, मुझे लगता है कि ये गांव इस पूरी परंपरा को जीवित रखे हुए है। और ये पूरा परिवार जो है पाखंड आडंबरवाद से मुक्त है और कोई मृत्यु भोज का कोई आयोजन नहीं हुआ है, कोई पूजा कर्मकांड पाखंड नहीं। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में कुछ संदेश देने के लिए मैं शामिल हूँ। क्या संदेश रहेगा आज जो कार्यक्रम? बुद्ध की धरती है, बुद्धि की धरती है, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल हो, आडंबर पाखंड गो बैक, वापस जाओ और ज्ञान विज्ञान अंदर आओ, घर वापसी कराओ। बाकी अपने सब कुछ जितने सब कुछ है, जितने यहाँ पे बुद्धिस्ट साइट हैं, सब की घर वापसी कराई है, सब कब्जा किया हुआ है। तो ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे। शुक्रिया। आइए जानते हैं नगेंद्र सिंह इंजीनियर साहब है, जानते हैं कि जो आज कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन कर रहे हैं, क्या कहेगा सर? सबसे पहले मैं आपके नित्य न्यूज टीवी को और आप सबों को और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब रही बात, मेरे पिता जो सभ्य चमारी निधन हो गए, आयोजन किया गया, स्वर्ग नहीं गए। स्वर्ग और नरक की बातें बिल्कुल हम लोगों ने तन मन से, संपूर्ण परिवार, चाहे किसी भी उम्र के बच्चा हो या बूढ़े हो, सब मिल करके सेवा किया, समाज जानता है। मेरा ये कहना है वो चले गए। हर घर में लोग जाना और आना ये संसार का नियम है, राजा हो या रंग, सबको जाना निश्चित है। यह तथागत बुद्ध ने कहा था और यही सत्य है। लोग हमने आज उनका आज कार्यक्रम, ये शोक सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। इस दिन हम भोज की जगह आम तौर पर, आप जानते हैं, आम तौर पर नहीं बल्कि सभी हिंदू धर्म का जो परंपरा है उसमें, चाहे बूढ़ा मरे या जवान मरे, किसी का जवान पति हो या जवान बेटा हो या जवान भाई हो या माँ हो या बहन हो, कोई मरता है तो मृत्यु भोज देने का पारंपरिक मजबूरी। ऐसे हालात में हम लोगों ने निर्णय लिया कि यह मजबूरी
को हम समाप्त करेंगे, इस मजबूरी को हम खत्म करेंगे, क्योंकि यह मजबूरी समाज के पढ़े लिखे चतुर चालाक लोगों ने बनाया है। क्यों बनाया है? जब हम इसे चिंतन किया तो पाया कि कहीं से भी किसी भी कारण से अगर पिछड़ा दलित एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई बेटा या बाप मरता है और अगर भोज नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका धन बच जाएगा। जब धन बच जाएगा तो पैसा कहाँ लगाएगा? वो पैसा पढ़ाई में लगाएगा, और जब पढ़ाई में लगाएगा तो घर बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा कोई पढ़ के ही बढ़ सकता है। और पढ़े और लिखे लोगों को ये होशियार लोगों ने समझा कि हम मूर्ख नहीं बना सकते हैं और मूर्ख बना करके राज नहीं कर सकते हैं, इसलिए समाज मूर्ख ही रहे लगातार। इसके लिए यह ऐसी गंदी परंपरा डाला जिसको करने के लिए मजबूर है। किसी के घर में घोर आपदा हो, घोर विपत्ति हो, और उससे वह घर परंपरा के वजह से भोज देने के लिए मिठाइयाँ खिलाने के लिए वो मजबूर हो, और समाज नाच गान करके ये शौक से वो भोज लेने को तैयार हो, ये कितना अतार्किक है, कितना अवैज्ञानिक है, कितना किसी से चंदा लो और उसी चंदे से डंडा बनाओ और इनकी कमर तोड़ो। सबसे पहले यही कीजिए कि चंदा फंदा का काम बंद कीजिए, और वो आपकी कमर तोड़ रहे हैं, आप उनकी कमर तोड़ दीजिए। सबसे पहला जरूरी काम। ज्यादा दान देने का मतलब है तो मेरे पास चिट्ठी लिख फोन कर दीजिएगा, मुझे ही भिजवा दीजिए, हम बच्चा लोगों को भेजेंगे बाहर पढ़ने। चलिए एक और कहानी सुनाता हूं, ज्ञानेश्वर की कहानी। डॉक्टर अम्बेडकर सुना रहे कि उसने क्या किया ज्ञानेश्वर, उसने भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम से एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का सारांश क्या है कि दुनिया ब्रह्ममय है। अगर पूरी दुनिया ब्रह्ममय है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, इसको अंबेडकर ने उलट दिया कि जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। अगर सब कुछ ब्रह्म सत्य है तो फिर वो ब्रह्म जो है वो महारों में, दलितों में, अस्पृश्यों में, सब में होना चाहिए, उसमें क्यों नहीं है? इसलिए जब ज्ञानेश्वर को ब्राह्मणों ने निकाल दिया, अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया, तब भी वो महार और मांगो, महाराष्ट्र की जातियां हैं, अस्पृश्य जातियां, उनके बीच जाकर नहीं रहा। ये अगर ये दुनिया ब्रह्ममय है तो उनको उनके बीच में जाकर रहना चाहिए, नहीं रहना। क्यों नहीं ज्ञानेश्वर ने ऐसा किया? और कंक्लूड करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और वही मंत्र है जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया है और जो मैं आपको कहने आया हूं। मंत्र वही है कि आम लोग को बरगलाने के लिए यह सब बुलावे हैं, छलावा है। आम लोग को बरगलाने के लिए छलावा है, और आप लोग इस झूठ के शिकार, कम से कम चलिए इस सभा में जितने लोग बैठे हो झूठ के शिकार नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। उनके बुलावे में आ गए हैं आप, इसलिए आप पंडरी जेजुरी आलंदी जाएंगे या किसी अन्य देवता के बुलावे में आएंगे तो आपको जाति से बाहर करने की आज्ञा मुझे देनी पड़ेगी। अंबेडकर थोड़े बहुत डांटते भी थे, बहुत ज्यादा। आप लोगों को करता हूं, क्योंकि समय अभाव में, समय के कमी के चलते सबों का आज इस श्रद्धांजलि समारोह के माध्यम से नागेंद्र बाबू और नरेश बाबू समाज में फैली कुरीतियों पर बहुत बड़ा कुठाराघात, मतलब चोट करने का काम किया है, और ये बराबर करते रहे हैं। इसलिए मैं दोनों इन वीर सपूतों को, दोनों भाइयों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाते रहिए, और जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक एक व्यक्ति दबे जुबान से अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ते थे, और जो जिनका पांव आगे बढ़ता था उसे कैदी बना कर करके जेलों में डाल दिया जाता था, बावजूद लोगों ने अंग्रेजों का खिलाफत किया, और आज
हमारा देश भारत स्वतंत्र भारत के रूप में जाना जाता है, इसलिए आप इन कुरीतियों के पक्ष में खिलाफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है, सहना पड़ेगा, और लोग आपको आगे पीछे बहुत सी बातें कहेंगे, लेकिन उन बातों का परवाह किए बिना, चूंकि हम सब जैसे अनुज बाबू ने अपने संबोधन में कहा कि हम लोग थोड़ा सा जकड़े हुए हैं, जरूर जकड़े हुए हैं, इसमें कोई उनके कथन से मैं सहमति व्यक्त करता हूं, लेकिन हम आपके इन विचारों से कभी भी अलग नहीं हैं। आप जिस विचार के पोषक हैं मैं उन विचारों का तहे दिल से समर्थन करता हूं और बराबर करता हूं, इसलिए कि आप एक अच्छे कार्य की ओर बढ़ रहे हैं। एसपी बनना जितना कठिन है उसे ज्यादा कठिन है, माननीय मंत्री बनना जितना कठिन है उसे ज्यादा कठिन है। इन लोगों की जिंदगी खाली ठोकरे खाते हैं, कोई अच्छा आदमी भी इनका नाम ना लेता है, कहता है वो समझवा बिगाड़ ले चली चलो। तो चीनी आप सोचिए इनके लिए तालियां ऐसे बजेगा, जरा गड़गड़ा दीजिए, आसान नहीं है ऐसे वीर सपूत होना। भैया करके मैं सम्मानित करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार जोरदार देश कलाक प्रोफेसर विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा